वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। और यहाँ पे सब कोई रेडी हो चुके हैं, सुबह अभी 6 ही बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं पीछे मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करके आते हैं। वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है तो हम यही होटल पे सब कुछ रख के जाएंगे। अभी दर्शन करके आते हैं, उसके बाद सब कुछ लेके चलेंगे। जब वहाँ पे घूमेंगे तब मोबाइल वोबाइल लेंगे तो उसकी फुटेज आपको दिखाएंगे। अभी तो नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो अभी यहाँ पे हम मोबाइल रख देंगे। चलो अभी चलते हैं। और दोस्तों अभी कुछ सुबह 7 बजे यहाँ पे आरती होगी तो उसके दर्शन हमको करने हैं 7 बजे के। यहाँ पे 6 के ऊपर हो चुके तो वहाँ पहुँचेंगे। देखो दिखा दो पीछे, दिख नहीं रहा होगा। फाइनली हम यहाँ पे घर तो आ चुके और दोस्तों देख सकते हो हमने दर्शन भी कर लिए, मंदिर के दर्शन कर लिए, पूरे अंदर तक घूम के आया। और यहाँ पे मोबाइल वोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था तो हमने मोबाइल नहीं लिया। पूरी फैमिली आ चुकी है दोस्तों यहाँ से। थोड़ी देर बाद यानी चाय नाश्ता भी कर लिया, थोड़ी देर बाद चलेंगे मार्केट में, क्या सीन है वहाँ का देखेंगे। दोस्तों अभी आपको सामने का सीन दिखा दो, पूरा यहाँ से समंदर है ना, समंदर पूरा दिख रहा है। सब कुछ हो चुका है यहाँ पे, ये देखो हमारे पास 4 बेड तो थे ही, उसके अलावा एक ये रहा, ये आराम से लेटने का सोने का। टोटल यहाँ पे 5 बेड है, 5 और हम 6 जने। बढ़िया यार, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस ये रहा देखो मेरे पीछे, ये रहा सोमनाथ मंदिर। दोस्तों यहाँ पे हम सुबह तो यानी आए दर्शन करके आए, दोस्तों अभी 9 बज चुके। अभी यहाँ पे सामने एक महाराणा अहिल्याबाई द्वारा पुनर्स्थापित करके मंदिर है, वहाँ पर जा रहे हैं। देखो ये रहा सामने दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे शूज उतार देते गाइस। यहाँ पे हमने एक ऑटो किया है जो कि हमको जो जितने एरिया में 5-7-8 किलोमीटर के जो भी अंदर जो भी तीर्थ स्थान है, जो भी टेंपल होंगे, वो हमको सब कुछ घुमा देगा और लास्ट में हमको यहीं पे छोड़ देगा, यहाँ पे छोड़ देगा। या तो बोलेगा तुमको बीच के पास रहना तो बीच के पास वो छोड़ देगा। तो अच्छा है, अगर आपको यहाँ पे बस में घूमना तो बस में भी घूम सकते हो, और बाकी आपको खुद का पर्सनल ऑटो करना है ऑटो कर सकते हो। ऑटो हमने कुछ 1000 रुपये के अंदर ही हो जाता है, हम 6 जने 1000 रुपये के अंदर हो जाता है, ज़्यादा उतना महंगा भी नहीं पड़ता। पर बस से ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो बस ले जाएगी आपको और वो अपने टाइम से चलेगी, आपको ऐसे फ्रीडम नहीं होगी घूमने की। और पन अगर आप ऑटो कराते तो आपको फ्रीडम होगी, आप जितना देर तक वहाँ रुकना चाहते हो रुक सकते हो। तो हमने यहाँ पे ऑटो किया है, अभी चलते हैं। क्या सीन है अभी हमने तो देखा नहीं है, बाकी वीडियो में देखे, आप खुद आप फील करेंगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ घूमते। चलो फिर गाइस यहाँ पे हम त्रिवेणी संगम पहुँच चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे 3 नदी यानी साथ में मिलती है इसलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और दोस्तों सामने आपको दिखाता हूँ, सामने मेरे नदी है, देखो दिख रही होगी, इधर से भी नदी है, इस साइड भी नदी है। तो यहाँ पे सामने हमारे नदी है, यहाँ पे इसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। हम सब अभी ये फर्स्ट है यानी ऑटो से उतरे ना, ये फर्स्ट है, इसके बाद भी और जगह जाएंगे। अब पास में से देखते भाई क्या सीन है यहाँ का। अगर यहाँ पे त्रिवेणी संगम में आकर अगर नहाना हो तो उस साइड नहीं नहा सकते, पर इस साइड देखो यहाँ पे पीछे बॉर्डर जैसा बना के रखा है, बॉर्डर में आप लिमिट में नहा सकते हो, थोड़ा बहुत ही एकदम ज़्यादा एकदम मौज मस्ती से नहीं, थोड़ा बहुत शुद्ध करने के लिए नहा सकते हो, बाकी इतना उधर परमिशन नहीं है, खाली टच कर सकते हैं पानी को, बाकी इतना कुछ नहीं है। यहाँ पे अलग अलग कलर की कौड़ी है देख सकते हो, ये क्या है सब समुद्र में जो मिलता है। तो गाइस यहाँ पे आज हनुमान जयंती है और आज पूनम भी है, तो इसलिए ना जो मार्केट था ना सोमनाथ का अंदर वहाँ पे, तो वो बंद है यार। उधर से हमको सब मार्केट पूरा देखना, सामान वामान ले तो वो बंद है, अब क्या करें, ले नहीं सकते। फिर हम रात को गए थे, रात को सोचे कि सुबह जाएंगे, सुबह जाके ले लेंगे, पर अभी वहाँ पे लिखा कि आज हनुमान जयंती इसलिए सब कुछ बंद है, अब जो मुझे लेना था वो ले नहीं पाऊँगा। तो अब यहाँ पे हम गीता मंदिर आ चुके हैं, गीता मंदिर आ चुके हैं। नदी है देखो, देख सकते हो इस साइड,
पूरा, नीचे तो नहीं जा सकते, यहाँ पे लिमिट है बॉर्डर पे, यही है लास्ट, यहाँ से नीचे देखो। तो गाइस अभी हम इसके अंदर गए थे यहाँ पे दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग ने पूरे यहाँ पे सब सामने रखे गए, वहाँ पे वीडियो इतना अलाउड नहीं है तो हमने थोड़ा बहुत पाड़ लिया है, बाकी जो होगा आपको दिखा दिया हमने। अब यहाँ से चलते, टेम्पो में बैठ चुके हैं और यहाँ पे अंदर एक गुफा थी, वहाँ पे हमको धागा बांधा है धागा। तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा ये राम मंदिर है, अब राम मंदिर में आ चुके हैं, वहाँ पे जो कामबेश्वर करके कोई मंदिर था शिव जी का, वहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ पे आए। देखो तो गाइस यहाँ से देख सकते हो सीधा सोमनाथ, और यहाँ से समुद्र का व्यू क्या ही गजब आ रहा है, और यहाँ से हमारे पूरा सोमनाथ दिख रहा है, और पीछे यहाँ से समुद्र दिख रहा है, काफी ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ पे कुछ अभी 11 बज चुके हैं, काफी ज्यादा धूप भी लगने लगी है, काफी ज्यादा अच्छा लगा। राम जी का मंदिर एकदम साइलेंट, एकदम पीस, एकदम आप भी आना, अगर आओ ना कभी सोमनाथ घूमने तो पास की जो जितनी भी है ना सब कुछ घूम लेने का, फुल डिटेल में जो होते हैं ना वहाँ के लोकल एरिया वाले वो सब बता देते हैं। ये हम आ चुके हैं एकदम बीच के किनारे, समुंदर हमारे पीछे, एकदम समुंदर दिखाता हूँ ये रहा। और यहाँ पे आपको इसलिए दिखाता हूँ, सामने आपको शिवलिंग दिखेगी, दो शिवलिंग यहाँ पे है, आगे आपको सामने दो शिवलिंग दिख रही होगी, एक और ही देखो, एक ये है और एक ये रही, दो शिवलिंग और एक वहाँ पे उस साइड हमने देखी उधर थी, और बाकी दो यहाँ पे। तो गाइस जो यहाँ पे जो शिवलिंग है उसका नाम, एक का नाम शायद बाणेश्वर है और दूसरे का नाम बाण भट्ट, ऐसा ही कुछ बताया था, याद नहीं आ रहा मुझे, बट यही होगा शायद। बोल रहा था गई गई हो गया, तो भाई सब बोल, सच हो गया जो बोल रहा था मैं, अरे पापा के पास कितना पानी आ रहा है भाई, फुल मजे है भाई, फुल बहुत ही भयंकर भयंकर लहर आ रही है, और आवाज भी पानी की बहुत आ रही होगी यहाँ पे भाई, फोटोग्राफर बन चुका है, उसको मोबाइल अचानक से स्विच ऑफ हो गया, ये देखो सीन सपाटा करने वाली गिर गई थी, थम कर गई। हमारे पास कैमरा भी है जो हमने अब जाके निकाला, अभी तक नहीं निकाला क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, हमारे मोबाइल तो मोबाइल से पाड़ रहे थे। और यहाँ पे गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, समुंदर में पहली बार ही आए हैं तो मज़ा कुछ अलग ही होता है। तो देखो शॉपिंग चल रही है, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बीच में, जिसकी टिकट ओनली 5 रुपये है, 5 रुपीज़ ओनली टिकट है इसकी, वहाँ पे जैसे सोमनाथ का मंदिर है ना उसके बगल में गैलरी होगी, वहाँ से आपको टिकट लेनी और यहाँ पे इंटर करना। देखो यार ये रहा सामने पूरा ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे जो पीछे साइड देखोगे ना पूरा यानी मार्केट लगा है, वहाँ पे आपको कुछ भी खरीदना हो खरीद सकते हो, और ओनली 5 रुपये टिकट से इतना तो पे कर ही सकते हो, और बाकी इधर बहुत ही ज़्यादा मजे क्योंकि यहाँ पे आप नहा भी सकते हो, आपको अगर यहाँ पे नहाना है नहा सकते हो, फोटो शूट करा सकते हो, वहाँ पे अलग अलग सीन, और यहाँ पे पीछे ऊँट ऊँट की सवारी भी कर सकते हो। यहाँ पे डर रहता है कि मोबाइल गिर ना जाए क्योंकि बार बार लहर आती ना तो मोबाइल हिल जाता, ऐसा लगता है, रिस्क नहीं लेने का भाई, अभी 18,000 का मोबाइल ले गई गिर गया ना और लग जाएगी, बाकी बहुत। पापा ने देखो कितना बड़ा गड्ढा किया है, ए भाग गए पापा, देखो देखो पापा यंग बन गया यंग। यहाँ पे नहा लिए, और इधर का जो पानी है ना काफी ज्यादा नमक वाला, काफी ज्यादा खारा है, मुंह में जाता है ना एकदम अलग ही अजीब सा फील होता है, अजीब सा फील होता है एकदम, और होंठ में भी एकदम जलन जैसा होता है, आँख में भी जलन जैसा हो रहा है। तो मैं बहुत देर से अभी बाहर ही बैठा था, नहा नहीं रहा था, तो अब चलता हूँ कपड़ा वपड़ा चेंज करता हूँ अभी, और हमको जाना है अभी द्वारका, द्वारका की हमें कुछ 10 बजे ट्रेन मिलेगी, 10 बजे रात के, और अभी कुछ 2-3 बज रहे हैं,
अभी वेट करना है थोड़ा, फोटोशूट करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, बस इन्जॉय करते हैं। तो आप अगर आपको भी व्लॉग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अब आगे का सीन देखते, कपड़ा बदल लेता हूँ।